हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन अ लिफ्ट। एक लिफ्ट के अंदर रिलेटिव मोशन के बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं ये हमारा एक लिफ्ट है जिसके अंदर ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ये दुनिया को देखता है लिफ्ट के अंदर से, और लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है एक्सेलरेशन ए से। वेलोसिटी ऊपर हो चाहे नीचे उससे मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। दैट मींस अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये स्पीड बढ़ रही है इसकी, और अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो ये रिटार्ड हो रही है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। बेसिकली एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, सिंपल वर्ड्स में। अब अगर इस लिफ्ट में मान लेते हैं ऊपर से कोई स्क्रू खुल के गिर गया, कोई पैनल का स्क्रू खुला है, कोई डेंजरस स्क्रू नहीं है, तो ये स्क्रू खुल के मान लेते हैं गिर गया, तो गिर के इस तरीके से लिफ्ट के फ्लोर पे टकराएगा। इस मोशन के दौरान इस स्क्रू का एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ स्क्रू होगा, अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूँ और डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव ले लूँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्क्रू हो जाएगा माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा इसका। वहीं लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है? लिफ्ट का एक्सेलरेशन है प्लस ए। तो ऐसे में ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन भी प्लस ए ही है, तो ऑब्जर्वर लिफ्ट एक ही बात है। तो ऐसे में अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ स्क्रू एज सीन फ्रॉम लिफ्ट लिखना चाहूं तो ये कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ स्क्रू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट माइनस जी माइनस ए, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी प्लस ए। तो स्क्रू का एक्सेलरेशन लिफ्ट के अंदर खड़े होकर देखने पर कितना नजर आएगा? माइनस ऑफ जी प्लस ए। मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो गया? इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी प्लस ए हो गया। नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस लगाया, पर मैग्नीट्यूड कितना हुआ? जी प्लस ए। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लिफ्ट के अंदर जी की इफेक्टिव वैल्यू है जी प्लस ए। दैट मीन्स अगर मैं इस लिफ्ट की हाइट को स्मॉल h बोल दूं, तो इस स्क्रू को आकर लिफ्ट के फ्लोर से टकराने में कितना टाइम लगेगा? आपका टाइम हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g की जगह g प्लस a। h हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप करते थे तो ग्राउंड तक पहुंचने में उसे टाइम लगता था अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। यहां g की जगह आएगा g प्लस a, और कोई फर्क नहीं है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ लिफ्ट के अंदर। अगर आप इसी लिफ्ट के अंदर एक बॉल को ऊपर फेंक देते हैं वेलोसिटी यू से, ये बॉल ऊपर जाके वापस नीचे आ जाती है, इसकी मैक्सिमम हाइट जो इसने अचीव करी वो एच है, और इस पर जो टाइम लगा वो टी है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में ए है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u अपॉन g प्लस ए। 2u बाय g की जगह 2u अपॉन g प्लस ए। इसका जो मैक्सिमम हाइट जो ये अचीव करेगा वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका? u स्क्वायर बाय 2g, g की जगह फिर से g प्लस ए। तो लिफ्ट अगर एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में a से, तो जहां जहां आप g यूज करते थे वहां वहां आप g प्लस ए यूज कर सकते हो। अगर आप इसी प्रॉब्लम को ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करना चाहो, ये स्क्रू वाले प्रॉब्लम को अगर आप ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो? देखो, अगर ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में देखेंगे तो ये स्क्रू नीचे आया कितने एक्सेलरेशन से? जी एक्सेलरेशन से। और लिफ्ट का जो फ्लोर है वो लिफ्ट के साथ ऊपर जाएगा कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। हम कह सकते हैं कि टाइम टी के बाद, थोड़े टाइम के बाद, ये फ्लोर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट
के बराबर यहां पहुंच गया और कॉइन यहां से नीचे आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन या स्क्रू है ये, स्क्रू के बराबर हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड में कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्रू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं साइन के बारे में ध्यान नहीं दे रहा हूं, हाफ ए टी स्क्वायर और इन दोनों का सम इस हाइट एच के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, दिस इंप्लाइज हाफ जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। यहां से आप देख सकते हैं टाइम कितना आया, अंडर रूट ऑफ टू एच अपॉन जी प्लस ए। तो ये सॉल्यूशन हुआ ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में, और लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान है। तो ऑल यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में ए है तो लिफ्ट के अंदर जी की इफेक्टिव वैल्यू जी प्लस ए होगी। थैंक यू।